दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एक कासा सेल्स ऑफिसर का रोल क्या होता है। एक बैंक के अंदर में जो कासा, जो कि शॉर्ट फॉर्म है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का, उसकी जो सेल्स टीम होती है, उसका जो सेल्स ऑफिसर होता है, उसका रोल क्या होता है, क्या क्या चीजें उसे करनी पड़ती हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो आपको पता है कि कासा जो है बैंक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि कस्टमर के जो रिलेशनशिप की शुरुआत होती है बैंक में, वो कासा प्रोडक्ट से ज्यादा कस्टमर्स की होती है। वो बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो मेरे ख्याल से 80% कस्टमर ऐसा होते हैं जो पहला प्रोडक्ट जो बैंक में उनका होता है वो कासा होता है। केवल 20% ऐसे कस्टमर होंगे कि वो किसी और प्रोडक्ट से या लोन प्रोडक्ट से या कार्ड से बैंक के साथ रिलेशनशिप शुरू करेंगे। तो ये एक शुरुआत है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और दूसरा कि कासा जो है, जो मनी है, फंड है, पैसा है, वो बैंक के लिए रॉ मटेरियल है। तो पैसा आएगा तभी तो बैंक लोन देगी किसी को, तो इसलिए इसको बैंक बहुत ज्यादा महत्व देती है, काफी ज्यादा फोकस करती है कासा प्रोडक्ट्स पे। तो कासा सेल्स टीम का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि एक तो एक जो टारगेट है कि कितने अकाउंट खोलने हैं महीने के, तो इतने करंट अकाउंट खोलने हैं, इतने सेविंग्स अकाउंट खोलने हैं, या उसमें भी आपको टारगेट प्रोडक्ट वेरियंट वाइज होंगे कि लो एंड के इतने अकाउंट खोल रहे हैं, हाई एंड वाले इतने खोल रहे हैं। तो उस तरीके से एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो टारगेट होगा वो होगा कि हम हर एक महीने में उतने अकाउंट खोल सकते हैं, खोलना है हमें, तो ये सबसे बड़ा काम हो गया। दूसरा काम है कि अकाउंट खोलना ही कोई उद्देश्य नहीं है, अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो अकाउंट खोलने में तो कॉस्ट ही लगता है, आप देखेंगे कि अकाउंट फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद फॉर्म भेजना पड़ता है, फिर अकाउंट खुलता है, फिर उनको चेकबुक और कार्ड वगैरह वगैरह भेजते हैं, तो सारी चीजों में कॉस्ट है। अभी इनकम तो कुछ आई नहीं, इनकम तो तब आएगा जब वो आदमी अकाउंट में पैसे रखेगा, वो कस्टमर अकाउंट में पैसे रखेगा और कोई ट्रांजेक्शन करेगा या और कोई प्रोडक्ट खरीदता है बैंक से। तो उस अकाउंट को प्रॉफिटेबल बनाना और वैल्यूएबल बनाना, ये एक हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। और केवल किसी का भी अकाउंट नहीं खोल देना है हमें, अकाउंट खोलने के समय इस चीज का ध्यान रखना है कि हम ऐसे अच्छे लोगों का अकाउंट खोलें जो बैंक में ज्यादा से ज्यादा पैसे रख सकें, एक। और दूसरी चीज की वो हमसे, हमारे साथ जुड़े, जो हम बोलते हैं कि वो हम उनका मेन बैंकिंग अकाउंट हम हो जाएं, मेन बैंकर हम हो जाएं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि अकाउंट खोलने के बाद न केवल अच्छे अकाउंट खोलें बल्कि उनके साथ आपको, चूंकि आपने उनका अकाउंट खोला है तो आपसे उनकी थोड़ी बहुत अटैचमेंट होगी, तो उस अटैचमेंट को यूज करते हुए उनको आपको ट्रांजैक्ट कराना है और ज्यादा से ज्यादा बैलेंस लाना है, और बाकी प्रोडक्ट्स जो अगला पॉइंट है क्रॉस सेलिंग करना है, बैंक के दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी उन्हें बताना है और दूसरे प्रोडक्ट उन्हें देने हैं। तो ये करेंगे तभी वो अकाउंट फायदे का अकाउंट होगा बैंक के लिए, और अगर हम वो नहीं करेंगे तो कोई भी अकाउंट खोलते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दबाव में आकर के, कि टारगेट का प्रेशर है तो किसी का भी अकाउंट खोल दो, तो फायदा नहीं होता है, बैंक को नुकसान है, और फिर आप पकड़े जाते हैं बाद में, क्योंकि बैंक फिर वो सारा चीज ऑडिट चेक करती है, सारी चीजों का रिकॉर्ड चेक करती है, तो फिर आपकी तरक्की में भी उस पे बाधा पड़ सकती है। क्योंकि ये चीज तो है कि बैंक में आप कुछ भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनता ही जाता है, और आज नहीं तो कल वो पता चलेगा कि आपने जो 10 अकाउंट खोले इसमें 5 तो बेकार के अकाउंट थे, तो फिर वो आपके जो अप्रेजल में, आपके करियर ग्रोथ में, सभी चीजों में वो कहीं ना कहीं वो फिर वो सवाल पैदा कर देता है कि ये आदमी सही काम नहीं कर रहा है, तो इससे क्या हमें आगे तरक्की देने की आवश्यकता है क्या। तो इस चीज को ध्यान में रखें, ईमानदारी से काम करें, अच्छे अकाउंट्स खोलें, अच्छे अकाउंट्स की कोई कमी नहीं है। आप जाएंगे जैसे HDFC बैंक या कोई भी बैंक ले लें, उनका मार्केट शेयर कितना होगा, 10% या 12% ही मार्केट शेयर किसी बैंक से बड़ी बड़ी बैंक का है, तो बाकी जो 80% से ज्यादा जो बिजनेस है वो बाहर है, वो किसी दूसरे बैंक में है, वो किसी भी बैंक के लिए सत्य है ये। तो आप जाएं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अकाउंट ऐसे मिलेंगे जो कि आपके बैंक में नहीं होंगे और दूसरे बैंक में चल रहे हैं उनके अकाउंट, तो आप जाके उनको टारगेट करें अच्छे अकाउंट्स को। थोड़ी मेहनत का काम है, वो कोई बड़ा अकाउंट होगा तो एक बार जाने से वो नहीं मिलेगा, आपको शायद 2-3 बार विजिट करनी पड़ेगी, उनको जाके समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बेनिफिट उठाओ, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन वो अच्छा अकाउंट आएगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा वैल्यू आएगी, आपको भी अच्छा लगेगा, बैंक के लिए भी अच्छा होगा, इस चीज को ध्यान में रखें। और आखिर में हमारा एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि जो अकाउंट हम खोलते हैं उनका KYC अर्थात नो योर कस्टमर की जो गाइडलाइन है वो उनके बराबर हो। इसका मतलब ये हो गया कि उसके डॉक्यूमेंटेशन तो बराबर होंगे ही तभी अकाउंट खुलेगा वो, पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट लोग गलत शलत डॉक्यूमेंट बनवा भी लेते हैं, आज वो कुछ गलत कार्ड बनवा लिया या कुछ गलत एड्रेस प्रूफ बनवा लिया। तो आप जो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब आप अकाउंट खोल रहे हैं,
और कस्टमर से मिल रहे हैं, कस्टमर के ऑफिस में या उसकी दुकान पे या उसके घर में आप जा रहे हैं, तो आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये चीज जो मैं अकाउंट खोल रहा हूँ, क्या ये बराबर अकाउंट है। डॉक्यूमेंट तो ठीक है, डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए बराबर, नहीं तो अकाउंट खुलेगा ही नहीं। पर क्या ये जिस आदमी से मैं डील कर रहा हूँ, क्या वो सही आदमी है, क्या इसके जो बिजनेस कर रहा है वो सही बिजनेस कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, किसी स्मगलर का अकाउंट डॉक्यूमेंट ठीक होगा तो आप क्या खोल देंगे, नहीं खोलना चाहिए। या ऐसे ही कोई गलत काम करता हो आदमी, 2 नंबर का काम करता हो, उसका अकाउंट आपको खोलना चाहिए क्या? वो कितना भी आपको लालच दे कि मैं 50 लाख रखूंगा, 20 लाख रखूंगा, इतने सारे डॉक्यूमेंट दे दूंगा, खोल दो अकाउंट, आपको ये समझ का अपना इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि इस चीज को हम समझें कि कोई भी बैंक इस तरीके के गलत अकाउंट नहीं खोलना चाहती, और उसमें चूंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैंक को, तो आपको ये अपना एक जो चॉइस है वो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए अकाउंट खोलने के टाइम। समझना चाहिए कि ये किस तरीके का आदमी है, किस तरीके का कारोबार है, किस तरीके का डीलिंग इस अकाउंट में करेगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा, ठीक है, और तभी आप उस अकाउंट को खोलें। तो डॉक्यूमेंटेशन पर ही केवल मत जाएं कि डॉक्यूमेंट बराबर है तो सब कुछ बराबर है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो वे चीज का ध्यान रखें। एक और चीज, आपको पर्सनल लेवल पे, क्योंकि आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आप अकाउंट पे साइन करेंगे, तो उस चीज को मतलब है कि आप एक तरीके से ऑथराइज कर रहे हैं कि ये सब कुछ बराबर है, तो ये साइन आपका बैंक के रिकॉर्ड में रहेगा हमेशा जब तक वो अकाउंट चलेगा। तो कभी भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो चीज आपसे, आप कहीं भी रहें, आप इस बैंक में रहें, दूसरे बैंक में जाएं, बैंकिंग सेक्टर के बाहर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लोग आप तक पहुंच सकते हैं पूछने के लिए, तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए कि भाई ये अकाउंट आपने किस बेसिस पे खोला था, या कोई इंक्वायरी के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर रहें, अपनी मानसिक शांति के लिए डॉक्यूमेंट्स बराबर होने चाहिए, और आप मन में सेटिस्फाइड हो कि ये काम जो आदमी है बराबर कर रहा है, ये बराबर होगा तब मैं अकाउंट खोल रहा हूँ, ये समझ करके आप अकाउंट खोलें किसी का। तो ये जो केवाईसी कंप्लायंस जब मैं बोल रहा हूँ, इसका अर्थ ये हुआ, केवल डॉक्यूमेंट ही नहीं बल्कि आपको ये विश्वास होना चाहिए ये गलत काम नहीं कर रहा है, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है, कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहा है ये आदमी जिसका मैं अकाउंट खोल रहा हूँ, और ये अकाउंट में इस तरह की हरकतें नहीं होंगी। जैसे किसी का बिजनेस आपको सामने में दिख रहा है कि टीवी का शोरूम है, उसका अकाउंट खोल रहे हैं तो टीवी का पैसा, शोरूम का पैसा जा रहा है, लेकिन कोई एक खाली दुकान खोल के बैठा हुआ है और बोलता है मैं 10 लाख 20 लाख करूंगा, कोई कस्टमर नहीं दिख रहा, कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, तो कैसे 10 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है वहां पे, कुछ तो जरूर गोरख धंधा हो रहा है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। और अब हमें क्या करना है अकाउंट खोलने के लिए, कि सबसे पहले तो हमें कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो कस्टमर्स ढूंढने के कई तरीके हैं, और इसके बारे में विस्तार में हम आगे देखेंगे, एक चैप्टर हमारा है इस पे, उस पर हम देखेंगे। तो संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि एक तो बाहर के कस्टमर होते हैं, जो कि इसे हम कैचमेंट मैपिंग बोलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपको बाहर ही मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि किसी भी बैंक का मार्केट शेयर है वो 85% बाहर है, 15% ही मैक्सिमम किसी बैंक के पास है, वो भी जो लीडिंग बैंक है, छोटे बैंक्स का तो 2% 5% ऐसे मार्केट शेयर है उनके पास। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बाहर है, तो आपको बाहर जाके कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो बाहर जाएंगे तो कैचमेंट मैपिंग हम बोलते हैं, तो आप अपने जो ब्रांच का कैचमेंट क्या होता है, तो ब्रांच के आसपास का एरिया होता है जहां से लोग आपके ब्रांच में अकाउंट खोलने के लिए या ट्रांजेक्शन के लिए आते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के शहर में हैं और आपकी बाकी ब्रांचेस कहाँ पे हैं। तो बड़े शहरों में जैसे 1 किलोमीटर का एरिया होगा या 2 किलोमीटर का एरिया होगा, आप छोटे शहर में जाएंगे तो 5 किलोमीटर का एरिया होगा क्योंकि शहर में एक ही ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाएंगे तो हो सकता है कि 10 किलोमीटर का एरिया होगा क्योंकि आसपास के गांव में भी कोई ब्रांच नहीं है हमारी। तो डिपेंड करता है, ऐसा कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि 1 किलोमीटर ही होना चाहिए। जहां से भी आपके कस्टमर आपके पास आ सकते हैं अकाउंट खोलने के लिए, वो आपका कैचमेंट हो गया, और उस कैचमेंट को जाके आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से लोग ऐसे हैं, कौन कौन से यूनिट्स ऐसे हैं जिसका आप अकाउंट टारगेट कर सकते हैं। तो बिजनेस यूनिट्स हैं सारे, इंडस्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, ऑफिसर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, होलसेलर्स हैं, फिर आपके और कई तरीके के लोग आएंगे इसमें, टीचर्स हैं, तो जितने तरीके के लोग ऐसा है, फार्मर्स हो सकते हैं, इतने तरीके के लोग जो कि आपको लगता है कि आपके जो का प्रोडक्ट है, जिसकी इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके टारगेट मार्केट में फिट होते हैं आपके कैचमेंट में, तो उन सभी को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो वो कैसे हम उसकी लिस्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में हम एक दूसरे चैप्टर में देखेंगे। तो ये आपका बाहर का हो गया, फिर इनके रेफरल्स जिससे मिलते हैं उनसे पूछें कि आप किसी का रेफरेंस दे सकते हैं, या आप अपने
आपका जो सर्कल है उसमें से भी रेफरेंस लेकर के आप कस्टमर का लिस्ट बना सकते हैं, टारगेट कस्टमर्स का। और इंटरनल है कि बैंक के अंदर में बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनका बैंक के पास डेटाबेस है, तो उनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहिए हमें। तो जैसे करंट अकाउंट का कस्टमर है, उसके पास 5 बिजनेस है लेकिन एक ही करंट अकाउंट है, तो बाकी 4 करंट अकाउंट आप टारगेट कर सकते हैं। या करंट अकाउंट का कस्टमर है, उसका सेविंग्स अकाउंट आप टारगेट कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट का कस्टमर है और उसका बिजनेस का अकाउंट कहीं और है, तो वो बिजनेस अकाउंट टारगेट कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट का कस्टमर है, खुद का अकाउंट है, फैमिली मेंबर्स का अकाउंट नहीं है, कहीं और चल रहा है, तो इस तरीके से आप बहुत तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। तो इंटरनल कस्टमर का भी डेटाबेस होता है, उसको टारगेट करें। फिर ब्रांच में वॉक इन कस्टमर्स जो आते हैं, किसी काम से आ रहे हैं, उनको टारगेट करें, उनके फैमिली अकाउंट्स के लिए, उनके बाकी अकाउंट्स के लिए। एटीएम पे आते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम पे भी आप कई लोग खड़े रहते हैं, वहां पे जो लोग आते हैं उनके उनको टारगेट करते हैं। तो कस्टमर्स की कमी नहीं है, ये हमें विश्वास होना चाहिए। हर एक बैंक में आपको विश्वास होना चाहिए कि कस्टमर्स की मार्केट में कमी नहीं है, हमें ढूंढ के उनको समझाना है। तो वो एक बार कस्टमर की लिस्ट हो गई तो फिर हमें उनकी को समझाना है, जो सेल्स करना है। इसके 3 स्टेप्स ब्रीफ में मैं यहाँ बता रहा हूँ कि नीड एनालिसिस करें, उनकी जरूरत को समझें और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं और फिर उनका अकाउंट खोलें। तो ये हमारा जो मेन काम है, ये काम होगा कि हमें कस्टमर की लिस्ट बना के अप्रोच करना, रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करना, पिच करना और उनका अकाउंट खोलना, क्लोज करना। फिर दूसरा काम हमारा होगा, जब अकाउंट के लिए तैयार हो गए तो उनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना, फॉर्म भरवाना, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, जो भी डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं उसका ओरिजिनल चेक करना, फिर फोटोकॉपी लेना, फिर फोटोकॉपी पे उनका साइन करवाना, फॉर्म पे साइन करवाना, ये सब कुछ फॉर्म को पूरा करके और फिर आपको ब्रांच पे जाके जो ब्रांच के ऑफिसर होंगे उनके साथ सबमिट करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, इसमें कई बार लोग कमी कर देते हैं, कन्विंस कर देते हैं, लेकिन फॉर्म भरने की प्रक्रिया वो ढंग से नहीं कर पाते और क्या होता है फिर वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है उनका। तो ये इस चीज का ध्यान देना है हमें कि ब्रांच में कैसे हम अच्छे से उनका अकाउंट ओपनिंग के लिए दें, ताकि उनका फटाफट अकाउंट खुल जाए, और अगर कोई क्वेरी आ गई, कोई रिटर्न हो गया, कुछ हो गया, तो उसको हमें तुरंत फॉलो अप करके करेक्ट करवाना है। और पोस्ट अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट खुलने के बाद क्या है कि कस्टमर को फिर फोन करना है आपको। ये भी कई बार सेल्स के लोग छोड़ देते हैं कि अकाउंट खुल गया, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, हर एक कस्टमर आपको कई और बिजनेस देगा, कई रेफरेंस देगा, कई और प्रोडक्ट देगा, तो आपको उस कस्टमर के साथ लगना है। तो फोन कीजिए, पूछिए सर आपको चेकबुक मिल गया, डेबिट कार्ड मिल गया क्या, और उसके साथ फिर उसको बोलिए ठीक है अब ऑपरेट कीजिए, पैसे जमा कराइए, विड्रॉ कीजिए, नेट बैंकिंग कीजिए, मोबाइल बैंकिंग कीजिए, सारी चीजें आप उसके साथ मेहनत करके लग करके आप करवाएं, कस्टमर को खुश रखें, तब वो आपको और रेफरेंस देंगे, उन्हीं कस्टमर से आपको दूसरा कस्टमर मिलेगा और ये कस्टमर भी आपसे और प्रोडक्ट लेंगे। सेविंग्स ले लिया तो कभी करंट लेगा, कभी कार्ड लेगा, कभी लोन लेगा, तो आपको और प्रोडक्ट्स भी देता रहेगा ये। तो ये हमारा मुख्य काम, हमारा जो बैंक के अंदर में किसी का भी होता है, जो कि कासा के सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, उनका मुख्य काम ये होता है करना। करियर अपॉर्चुनिटी के ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया रोल है। जैसे मैंने बताया कासा बैंक का मेन प्रोडक्ट होता है, तो काफी इंसेंटिव आप कमा सकते हैं इसमें, अच्छा काम करेंगे, टारगेट बेस्ड इंसेंटिव हमेशा रहेगा, तो टारगेट आप ओवर अचीव करें, इंसेंटिव कमाएं, प्रमोशन होकर के आप बहुत जल्दी आप टीम लीडर बन सकते हैं, आपके अंदर में 5-6 एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, उनको आप ड्राइव कर सकते हैं, एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, हर एक लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। तो सेल्स वाले जो अच्छा करते हैं उनकी सबसे ज्यादा फास्ट तरक्की होती है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। बैंकिंग के अंदर इस प्रोफाइल की बहुत कद्र है और हर एक बैंक एक अच्छा सेल्स का बंदा चाहता है। तो आपकी जो मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफाइल बोलते हैं कि आपको कभी भी अगर मन किया कि चलो जॉब बदलनी है या दूसरे लोकेशन पे जाना है, एक अच्छे सेल्स पर्सन को, एक अच्छे रिलेशनशिप पर्सन को, उसके लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता, उसके पास हमेशा जेब में 2 ऑफर होते हैं। तो ये आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि लोग आपको चाहते हैं। और आगे बढ़ने के लिए मैंने बताया कि बेस्ट ग्रूमिंग ग्राउंड है, क्योंकि आप कस्टमर से मिल रहे हो, कस्टमर की जरूरत को समझ रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो, तो उससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं होता है। सबसे मुख्य बिजनेस में काम होता है सेल्स का, जो आप कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये मैं देखता हूँ कई बार कई लोगों का होता है कि अरे सेल्स नहीं करना है, मुझे ऑप्स में जाना है, वो इस चीज को समझते नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अभी अगर आप यंग स्टेज में लाइफ में, इस स्टेज में आप मेहनत नहीं करोगे, इस स्टेज में अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कब करोगे फिर? 40 साल के हो जाने के बाद तो नहीं करोगे आप, और तब तक आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी अगर आप इस सेल्स के जॉब में नहीं हो। तो सेल्स में जाएं, अच्छा करें, तभी आपकी फास्ट तरक्की होगी। और आज की तारीख में बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में ऐसा ही है कि सेल्स के बंदे ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, वही ज्यादा पैसा कमाते हैं, वही ज्यादा इंसेंटिव कमाते हैं, उन्हीं का ज्यादा प्रमोशन होता है। तो इसके लिए आप बहुत ही अच्छे ग्रूमिंग स्टेज में हो और यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो।
तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे अच्छे रोल में जुड़ने वाले हैं और आप अपने करियर को यहां से आगे ले जाएं। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।